हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो क्लासेस हमारी चल रही हैं स्पेशल बैच की, ये क्लास एलेवेंथ के लिए डेडिकेटेड बैच है और इसमें हम मैथमेटिकल टूल को लेकर के अपना सबसे पहला चैप्टर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथमेटिकल टूल जो है क्लास एलेवेंथ की पूरी मैथमेटिक्स के लिए एक फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको सारे बेसिक टूल्स पहले देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक टूल्स का इस्तेमाल क्या है, ओके? तो देखिए आपके सामने क्या लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स इज अ टूल ऑफ फिजिक्स, अ गुड नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स विच आर यूज्ड इन फिजिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल फिनोमिनन एंड देयर एप्लीकेशन। मतलब कि जो बेसिक मैथ लगेगी उस मैथ का इस्तेमाल करके आप मैथ को अप्लाई करके फिजिक्स समझोगे। अगर आप फिजिक्स में से मैथ निकाल देंगे तो फिजिक्स की थ्योरी पार्ट रह जाएगा और थ्योरी से आपको कुछ खास नहीं मिलेगा। इसलिए व्हाट इज मैथ्स, मैथ्स जो है फिजिक्स का एप्लीकेशन पार्ट है, ओके? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द टॉपिक्स इंट्रोड्यूस इन दिस चैप्टर एनेबल अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द फर्स्ट ईयर प्री यूनिवर्सिटी फिजिक्स। हाँ भाई, अपन तो स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं और कहीं भी फिजिक्स पढ़ोगे इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैथमेटिकल टूल्स पढ़ें। अब मैथमेटिकल टूल्स को आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि फिजिक्स में क्वांटिटी कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्वांटिटी। सो बताओ मुझे हर्षिका की क्वांटिटी क्या होती है, बताओ व्हाट इज क्वांटिटी? यस, बिल्कुल सही। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी, ओके? जिसको आप मेजर कर सकते हो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी, ठीक है? क्लियर एकदम? हेलो, हाँ। ऐसी कोई भी चीज़ बेटा जिसको आप मेज़र कर सकते हो आप क्वांटिटी कहते हैं। अब क्वांटिटी के टाइप्स आप पढ़ोगे तो हम यदि टाइप की बात करें क्वांटिटी के, तो क्वांटिटी के टाइप्स कई टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिकल क्वांटिटी। मैथमेटिकल क्वांटिटी में दो क्लासिफिकेशन है, एक वेरिएबल एंड सेकेंड इज कॉन्स्टेंट, ठीक है? वेरिएबल मीन्स द क्वांटिटीज दैट कैन चेंज देयर वैल्यूज, ऐसी क्वांटिटीज जो वैल्यूज चेंज कर सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए योर एज, आपकी एज जो है हर समय बदल रही होती है तो आप इसको एक्स मान सकते हैं और ये वैल्यू बदल सकती है। बट कॉन्स्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉन्स्टेंट और दूसरा होता है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। फिक्स कॉन्स्टेंट मतलब ऐसा कॉन्स्टेंट जो अपनी वैल्यू कभी भी ना बदल सके, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो, ऐसे कॉन्स्टेंट को हम फिक्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो मेरे को हर्षिका एक फिक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू बताओ, एक बताओ, कोई फिक्स कॉन्स्टेंट है क्या तुम्हारी नजर में? फाइव, एग्जैक्टली फाइव, सिक्स, ऑल दीज नंबर्स, ओके? ये तो हो गए। बहुत सारे नंबर हैं, एग्जाम्पल के लिए पाई, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये भी जो है ये फिक्स के, ये फिक्स कॉन्स्टेंट है, ओके? यदि मैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करूं तो फिजिक्स में भी कुछ फिजिकल कॉन्स्टेंट हैं जिनकी वैल्यू कभी भी बदल नहीं सकती है, जिनकी वैल्यू फिक्स है, तो ये कहलाते हैं हमारे फिजिकल कॉन्स्टेंट। तो आपके सामने ये फिजिकल कॉन्स्टेंट लिखे हुए हैं, इनका केवल आपको आइडिया ज़रूरी है, कोई ऐसा नहीं कि आपको याद करना है इनको, बस एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम, बोलो पता है आपको? हाँ, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 × 10⁻³⁻ किलोग्राम, ये एक कॉन्स्टेंट है बिकॉज इसकी वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है, ओके? और इस कॉन्स्टेंट की यूनिट भी है, इस कॉन्स्टेंट की यूनिट भी है, क्या है यूनिट? किलोग्राम, ठीक? क्लियर?
हाँ अलर्ट है ना। चलो अब देखो, मैथमेटिकल जो कांस्टेंट है ना उनकी कोई यूनिट होती नहीं है, मगर जो फिजिकल कांस्टेंट है उनकी यूनिट हो भी सकती है और उनकी यूनिट नहीं भी हो सकती है। फिजिकल कांस्टेंट की यूनिट हो भी सकती है और फिजिकल कांस्टेंट की यूनिट नहीं भी हो सकती है। अब आप जानना चाहोगे कि सर ऐसा कौन सा फिजिकल कांस्टेंट है जिसकी यूनिट नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हम आपने हमें ऐसे फिजिकल कांस्टेंट बताए हैं जिसकी यूनिट है। क्या कोई ऐसा फिजिकल कांस्टेंट है जिसकी यूनिट नहीं है, बता सकते हो हर्षिका कि कोई ऐसा फिजिकल कांस्टेंट जिसकी यूनिट ना हो? एनी आइडिया? नो। देखो बेटा, मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। म्यू म्यू इज इक्वल टू, मान लो वाटर का म्यू है 1.5। अब 1.5 म्यू जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, जस्ट एक नंबर है। तो है तो कांस्टेंट, बट कैसा है, यूनिटलेस कांस्टेंट। यूनिटलेस कांस्टेंट मतलब इस कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है, और बाकी जो आपके सामने ये कांस्टेंट दिख रहे हैं इन सब की यूनिट है, इन सब की यूनिट है। तो ये कैसे कांस्टेंट है, ये सबके सब फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये सब फिक्स कांस्टेंट है। क्लियर हो गई बात मेरी? क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ ठीक है। तो ये सारे के सारे कांस्टेंट आपको एक बार देखने हैं रेफरेंस के लिए, बस इतना ही काफी है, ठीक है ना। ये और भी कांस्टेंट लिखे हैं, तो मुझे बताओ हर्षिका की रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हुआ करती है, वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ? क्या बोल रहे हो सर? एक डाउट है। बोलो सर, ये जो आपने कांस्टेंट के दो टाइप बताए थे, फिक्स्ड कांस्टेंट और ऑर्बिटरी कांस्टेंट, यस, तो फिक्स्ड कांस्टेंट में तो आपने वो बताया था कि पाई होता है, 5, 6 वगैरह नंबर, हाँ, जितने भी होते हाँ. हैं। सर ऑर्बिटरी कांस्टेंट में यही फिजिकल कांस्टेंट आते हैं? नहीं, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तुमने। फिक्स्ड कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है ये मैथमेटिकल कांस्टेंट की बात कर रहा था मैं। मैथमेटिकल कांस्टेंट में दो कांस्टेंट बनते हैं, एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट और एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब दोनों की वैल्यू समझो। जैसे फिक्स्ड कांस्टेंट मतलब आपके पास कोई इक्वेशन लिखी है x प्लस 6, तो ये 6 कभी नहीं बदल सकता है, तो ये है फिक्स्ड कांस्टेंट। परंतु अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है, लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बुक में ए बी सी की वैल्यू रैंडमाइज करके अलग अलग दी जाती है। जैसे मान लीजिए एट अ टाइम एक वैल्यू है 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, और दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू है 4x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ए बी सी हैं तो कांस्टेंट, मगर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है? इनको हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। चलो अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो आपको एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? पता है नहीं पता? आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। सर इस सिचुएशन में एक्स का इंटीग्रेशन बताऊं मैं? इस सिचुएशन में एक्स इंटीग्रेशन ये जो लिखा हुआ है, ये 3x प्लस 4y प्लस 6, नहीं, इधर 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 बताना आपको, ये जो नीचे लिखा मैंने, ये लिखा ना ऊपर मैंने x dx, इसका इंटीग्रेशन बताइए। नहीं पता? नहीं, x प्लस सी नहीं होगा, रॉन्ग। चलिए छोड़िए,
तो अभी हम इस पर बाद में बात करेंगे, मुझे लगा कि इंटीग्रेशन आपसे बनता होगा तो मैं आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट फिलहाल यदि नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अभी के लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए आपके लिए क्या जानना जरूरी है वो मैं बता देता हूँ। अभी के लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए आपने क्या सीखा वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखी कि मैथमेटिकल कांस्टेंट जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट टू टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट और दूसरा होता है आर्बिट्ररी। फिक्स्ड कांस्टेंट्स का मींस ऐसे कांस्टेंट जो वैल्यू नहीं बदलते हैं, जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये हो गए। और आर्बिट्ररी कांस्टेंट मींस अगर आपके पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो यहां पर ए बी सी जो होते हैं ये सिचुएशनल होते हैं, मतलब इनकी वैल्यू आप बदल सकते हैं। सो दीज कांस्टेंट आर कॉल्ड आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बोलो अब क्लियर है आपको? ओके डन। तो ये मैथमेटिकल कांस्टेंट की बात मैंने आपको क्लियर कर दी कि मैथमेटिकल में मैथमेटिक्स में दो प्रकार के कांस्टेंट होते हैं। अब आते हैं हम कन्वर्जन कोफिशियंट्स की बात करते हैं। कन्वर्जन कोफिशियंट क्यों यूज होते हैं? कन्वर्जन कोफिशियंट देखिए आपको एग्जैक्टली किसी भी चीज़ को आसानी से लिखने के लिए, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि इस चीज़ को आप लिखो 1000 या 10,000 किलोग्राम, तो आप इसको 10 मीट्रिक टन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बताओ? आप 10,000 किलोग्राम को 10 मीट्रिक टन लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यस yes, तो ये इसको इजी बना रहा कि नहीं बना रहा है? हाँ, तो ऐसे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ऐसे कुछ हमारे पास कन्वर्जन होते हैं, तो इन कन्वर्जन्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कन्वर्जन कोफिशियंट। चलिए तो एक बार पढ़िए बेटा इसमें क्या क्या कन्वर्जन कोफिशियंट है। वन लाइट ईयर, लाइट ईयर में क्या मेजर करते हैं बोलो? सर लाइट ईयर में डिस्टेंस। एंड वन लाइट ईयर इक्वल टू हाउ मच मीटर? 9.46 × 10⁻¹⁵। बिल्कुल सही। सो वन लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। व्हाट इज दिस लाइट ईयर? लाइट ईयर जो है लाइट एक साल में जितनी डिस्टेंस चलती है उसको हम बोलते हैं वन लाइट ईयर। क्लियर? हाँ। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये किसकी यूनिट है बताओ? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द यूनिट फॉर डिस्टेंस, यूनिट फॉर डिस्टेंस, एंड इट इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻¹ मीटर। प्रैक्टिकली इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। क्लियर? क्लियर? सन और अर्थ के बीच की दूरी को बोलते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड वन एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻¹⁰ मीटर। ओके हाँ, अब बताओ इसमें से कौन सी यूनिट तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? कन्वर्जन कौन से समझ, यूनिट नहीं है सॉरी, कन्वर्जन है ये। कौन सा कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा बोलो? सर वन सीएसएल क्या है? हाँ, वन चंद्रशेखर लिमिट, बहुत बड़ी यूनिट है मास की ये। सो व्हाट इज वन चंद्रशेखर लिमिट? इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन। सन के मास का 1.4 टाइम्स। ओके ये कहलाता वन चंद्रशेखर लिमिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है। और वन शेक, दिस इज इक्वल टू 10⁻¹⁸ सेकेंड। क्लियर? कुछ और पूछना है? हाँ, तो कन्वर्जन कोफिशियंट का यूज हम क्यों करते हैं? अपनी सुविधा के लिए, ठीक है ना? ओके क्लियर? यस। नेक्स्ट टॉपिक आ रही है थोड़ा, आप मतलब इंस्टेंटली रिप्लाई किया करो, जैसे समझ में आ गया मैंने कहा यस तो बिल्कुल बोला करो जोर से यस एक बार में।
हाँ क्या मैं छोटू पहले तुम्हें पढ़ा चुका हूँ ना, तो मेरे को लगता है ये पुरानी वाली छोटू है कि नई वाली छोटू है। नहीं सर पुरानी वाली हूँ। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे हर्षिका बताइए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए? अगर ए जीरो हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर हर्षिका, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर दिया आपने। ओके सो आपके लिए यहाँ पर ए का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द डिग्री शुड बी मस्ट बी टू। ओके सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बाय एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके यू मस्ट नो दिस फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, बनता है ना फॉर्मूला? एग्जैक्टली श्रीधराचार्य फार्मूला है ये, ये सबको बनना चाहिए। और आप अगर बायो साइड से हैं तो कम से कम ये फार्मूला आपको आना चाहिए, अगर कोई और मेथड आ रही है नहीं आ रही है तो एटलीस्ट ये फार्मूला तो आपको बनना ही चाहिए। अब नेक्स्ट हम फार्मूले के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ये फार्मूला हो गया, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उस पर आपको क्वेश्चन को करके दिखाना है। लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसके रूट्स निकालिए। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसी मेथड से निकालना जरूरी है? आप जिससे निकालना चाहें, अगर आपको दूसरे मेथड बनते हैं तो ठीक है, ये तो अब बायो स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड कर दी है मेथड अपन ने, कि अगर मान लो किसी बच्चे को 10 तक का बेसिक उतना अच्छा नहीं है तो ये मेथड यूज कर ले। एग्जैक्टली सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज टू एंड थ्री, बिल्कुल सही, फुल मार्क्स। तो आपका मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके बेसिक्स आपके बिल्कुल बन गए हैं, ठीक है? Yes, sir. हाँ ये चारों क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, एनी प्रॉब्लम इसमें? No, sir, नहीं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करके देखिए, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, रूट्स निकालिए। फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इतना डिफ़िकल्ट है तो आप अच्छा रहेगा कि इसको सीधे श्रीधराचार्य से लगाएं। तो कैसे बनेगा देखो, एक्स इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज़ ए हियर फोर, व्हाट इज़ बी माइनस फोर ए, सी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ बी, सो माइनस ऑफ माइनस फोर ए प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो माइनस फोर ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, अपॉन टू इंटू फोर। एक्स इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस फोर ए, दिस विल बी 16 ए स्क्वायर, 4 फोर जा 16 माइनस 16 ए स्क्वायर प्लस 16 बी स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर से 16 ए स्क्वायर कैंसिल, यस और नो? 2 फोर जा 8, सो एक्स इक्वल्स टू 4 ए
प्लस माइनस ओवर रूट 16 बी स्क्वायर होल डिवाइड बाई 8, दिस इज इक्वल्स टू 4a प्लस माइनस 4b डिवाइड बाई 8. ओके, वी कैन टेक कॉमन एज 4, सो a प्लस माइनस b डिवाइड बाई 8, 4 टू ज़ा 8, आंसर इज a प्लस माइनस b बाई 2. ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन वी हैविंग द आंसर a प्लस b बाई 2, वाइल वी टेक नेगेटिव साइन आंसर इज a माइनस b बाई 2. डन? यस सर, डन. ओके, यस, सो आंसर इज a प्लस b बाई 2 एंड a माइनस b बाई 2, मैच हो गया. ओके, बाकी के तीन आप कर लेना, बहुत इजी हैं, वो आप कर लोगे मुझे पता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्यों लगाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इस पर चर्चा करते हैं. बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अगर मैं हर्षिका आपसे पूछूंगा a प्लस b की पावर 1 कितना है, सो आप मुझे क्या रिप्लाई दोगे? A plus b. बिल्कुल सही. अगर मैं आपसे पूछूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर कितना है तो क्या रिप्लाई दोगे? बिल्कुल सही, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इन केस अगर पूछा जाए आपसे a प्लस b का होल क्यूब क्या है तो क्या बोलेंगे आप? एग्जैक्टली, बस इतना ही बनेगा ना, इसके आगे तो नहीं बनेगा ना. हाँ, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, a प्लस b कितने टर्म्स हैं? टू टर्म्स. एंड व्हेन दे आर टू टर्म्स दिस एलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइनोमियल. व्हेन देयर इज टू टर्म्स, ओके, एज यू नो यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, x प्लस वाई, वट इज दिस? दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल. एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल. तो ये सब के सब क्या है? बाइनोमियल है. a प्लस b क्या है? बाइनोमियल है. और इसकी पावर बढ़ती जा रही है, तो इसकी पावर को एक्सपेंड करने के लिए हमें जिस टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है उस टूल को बोलते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम. तो उसका यूज़ करके आपसे कोई बोले कि a प्लस b की पावर 99 बताओ, तो वो भी बहुत ईजिली आप ओपन कर सकते हो, बट यू मस्ट नो बाइनोमियल थ्योरम. डन? ओके, तो एक्सपेंड करने के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए. अब आइए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम कैसे लिखी जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक टर्म है a और एक टर्म है b और पावर लगी हुई है n, ओके, तो इसकी बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करने का तरीका बड़े अच्छे से समझिए. सबसे पहले a की हाईएस्ट पावर n दे दो, ओके, a की हाईएस्ट पावर n, फिर n a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1, मतलब a की पावर डिक्रीज करते जाओ और b की पावर इंक्रीज करते जाओ. देन n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2. अब आप कहोगे सर ये फैक्टोरियल 2 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 क्या होता है? अभी आप लिखते जाओ, फिर मैं आपको बता देता हूँ ये फैक्टोरियल्स क्या होते हैं. सो n इंटू n माइनस 1 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2. क्लियर? देख रहे हो n की पावर कम हो रही है, a की डिक्रीज हो रही है, b की इंक्रीज हो रही है. क्लियर? हर्षिका, द नेक्स्ट टर्म विल बी n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3. से यस ऑर नो? नाउ नेक्स्ट टर्म विल बी व्हाट? बोलो भाई. n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 और a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4.
यस एग्जैक्टली, ऐसे चलेगा, चलता जाएगा चलता जाएगा, और लास्ट में कहाँ पर फिनिश होगा, जब बी टू दी पावर एन आ जाएगी, क्योंकि ए की पावर एन से स्टार्ट हुआ था और फिनिश कहाँ पे होगा, बी टू दी पावर एन पर। डन? यस यस। अब मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पर ए की पावर जीरो हो जाएगी। जैसे फर्स्ट टर्म में ए की पावर एन थी तो बी की पावर कितनी थी, जीरो थी। द टाइम पावर ऑफ ए वॉज हाइएस्ट, द पावर ऑफ बी वॉज लोएस्ट एट दैट टाइम, ओके, एंड आफ्टर देन द पावर ऑफ ए डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड द पावर ऑफ बी इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एंड एट द लास्ट पॉइंट द पी पावर ऑफ बी विल बी हाइएस्ट एंड पावर ऑफ ए विल बी लोएस्ट। क्लियर? ठीक है। जैसे आप कोई रैंडम आप सिंपल एक्सप्रेशन उठा के देख लो, लाइक आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ऑब्जर्व सबसे पहले ए की हाइएस्ट पावर, फिर ए की पावर कम होती है, ए की पावर वन, बी की पावर वन एंड आफ्टर देन बी का स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या आता है, टू आता है। क्या आता है यहाँ पे, टू आता है। ओके okay, एक और फीलिंग करो, ए प्लस बी का होल क्यूब, सो फर्स्ट ए की पावर थ्री, देन समथिंग विल बी देयर एंड द पावर ऑफ ए विल बी डिक्रीजेस टू टू एंड पावर ऑफ बी विल बी इंक्रीजेस टू वन, देन आफ्टर द पावर ऑफ ए विल बी डिक्रीजेस टू वन एंड पावर ऑफ बी विल बी डिक्रीजेस टू टू एंड एट द लास्ट देयर विल बी बी क्यू। तो हमारी लड़ाई क्या, हमें ये चीज़ें पता करनी है, ये चीज़ें। नेक्स्ट, इफ आई राइट ए प्लस बी टू द पावर फोर, देन ए टू द पावर फोर, देन समथिंग विल बी देयर, ए की पावर थ्री एंड बी की पावर वन, देन समथिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन समथिंग ए बी क्यूब एंड फाइनली बी टू द पावर फोर। क्लियर? ओके। सो अब फाइंड करते हैं कि यहाँ पे होगा क्या। ओके चलो, तो कैसे, इसी को ओपन कर लेता हूँ मैं। ए प्लस बी टू द पावर फोर क्या पढ़ा है मैंने, ओ फैक्टोरियल बताना भूल गया। पहले मैं आपको फैक्टोरियल बता दूँ कि फैक्टोरियल की मीनिंग क्या है, फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है। पहले मैं आपको फैक्टोरियल बता दूँ कि भाई फैक्टोरियल क्या है। यस फैक्टोरियल, लाइक फैक्टोरियल थ्री लिखा है, फैक्टोरियल थ्री मतलब थ्री इंटू टू इंटू वन, फैक्टोरियल फोर मीन्स फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, फैक्टोरियल फाइव मीन्स फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट्स इट। मतलब पीछे की तरफ मल्टीप्लिकेशन करना सक्सेसिवली अप टू वन, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल नोटेशन। क्लियर? सो ये कहलाता है फैक्टोरियल नोटेशन। अब आ जाओ इस फॉर्मूले को मैं दिखाता हूँ आपको बना करके, ए प्लस बी की पावर फोर को कैसे करेंगे। ए प्लस बी टू दी पावर फोर इक्वल्स टू क्या सिखाया, ए की पावर फोर प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई ए टू दी पावर थ्री बी टू दी पावर वन। क्लियर? फोर अपॉन वन, फोर अपॉन वन कह लो या फैक्टोरियल वन कह लो, देन फोर फोर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। क्लियर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देन फोर फोर माइनस वन फोर माइनस टू फैक्टोरियल थ्री ए टू दी पावर वन बी का पावर थ्री। यस क्लियर? देन एट लास्ट फोर फोर माइनस वन फोर माइनस टू फोर माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल फोर ए टू दी पावर जीरो बी टू दी पावर फोर, सो इट इज कंप्लीटली बी टू दी पावर फोर। क्लियर? फैक्टोरियल में वही लेते हैं जो बी की पावर होती है, हाँ ये कह सकते हो आप। ठीक? ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सो ए टू दी पावर फोर, वन फैक्टोरियल तो वन ही होगा,
तो क्या बन गया, 4a³b। देन 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होगा, सो इसको कैंसिल करता हूँ मैं, कैसे करते, 2 से 2 बार जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 माइनस 1 3, तो 2 3 जा 6, तो 6a² b² क्लियर। ओके नाउ फैक्टोरियल 3 मीन्स इट विल बी 3 × 2 × 1, सो 3 विल बी कैंसिल फ्रॉम हियर एंड 2 विल बी कैंसिल फ्रॉम हियर, सो बच क्या गया ऊपर, 4 बच गया, 4ab³ प्लस 4ab³, यस और नो? नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, है कि नहीं है? और 4 × 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 4 ही तो हुआ, तो ऊपर भी फैक्टोरियल 4, नीचे भी फैक्टोरियल 4, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया, b³ 4। डन। सो ए प्लस बी टू द पावर 4 इक्वल टू a³ 4 प्लस 4ab प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस बी टू द पावर 4। अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल बेटा, पूरी फाइल तुमको दे दूंगा ये मैं। ओके ठीक, ये इसका वीडियो बन रहा है बैकग्राउंड में, ये पूरा वीडियो आपको दे दूंगा मैं, है? ओके चलिए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा, अब यहाँ पे 1 + x^n कर दिए मैंने, तो चलो आप मेरे को करके दिखाओ 1 + x^n की एक्सपेंशन। चलो ओपन करो 1 + x^n। (1 + x^n) ओके सो हर्षिता द वेरी वेरी फर्स्ट टर्म विल बी 1, 1 की पावर n विल बी 1, एनी पावर ऑफ 1 विल बी n, यस और नो? देन नेक्स्ट टर्म विल बी n × x^1, एग्री कि नॉट एग्री? बिकॉज इन देयर द टर्म विल बी 1 to the power n-1, बट 1 की पावर तो कुछ भी 1 हो जाएगा, सो बार बार 1 की पावर लिखने की जरूरत, नहीं। वेरी गुड, ओके देन n − 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x², एग्री? n − 1 n − 2 फैक्टोरियल 3 x³ प्लस अप टू डॉट होगा ना, नहीं होगा? ये बन गई आपकी एक्सपेंशन 1 + x^n की। अब इसको नोट कर लो आप, गुड। अब एक बात मुझे बताओ कि यदि मेरे पास कोई नंबर बहुत स्मॉल है, लाइक 0.2 है, तो 0.2 की पावर 1 करता हूँ तो 0.2 आता है, 0.2 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो बोलो कितना आता है? इफ आई एम मेकिंग द पावर 0.2 to the power 3, देन इट विल बी, तो ये स्मॉल होता जा रहा कि छोटा होता जा रहा है? वेरी गुड। सो यहाँ पर एक कंसेप्ट और निकल करके आता है
इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, तो ये जितने टर्म हैं एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये सारे के सारे टर्म छोटे होते जाएंगे कि बड़े होते जाएंगे? सर छोटे होते जाएंगे। तो जब छोटे होते जाएंगे जीरो के अप्रॉक्स पहुंचते जाएंगे, तो ये ऐड हो करके भी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? इसलिए टोटल जिम्मेदारी इन दो टर्म्स की हो जाएगी। सो एक नया फॉर्मूला बनता है 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो बायो वाले बच्चे कैसे याद रखेंगे कि बाहर की पावर एन अंदर घुस जाती है और मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर हुआ? कब? इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, यस इफ एक्स इज वेरी स्मॉल। तो फिर से लिखूंगा 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स। डन? वन माइनस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। डन? अंदर आ गया। 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। क्लियर? भाई माइनस एन अंदर आ गया। 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। क्लियर? बन गया लॉजिक? इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लो। गुड। सो देखो, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल, एक्स वेरी लेस देन 1, देन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। चलिए ये तो ओपन कर लिया ना हमने? ओके, नाउ ये भी कर लिया हमने। देखो x प्लस ए की पावर n, बस मैंने a और b ले लिया था। ओके, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये भी देख लिया। गुड। हाँ फैक्टोरियल ही है, फैक्टोरियल ही है, बिल्कुल सही, फैक्टोरियल ही है। ओके ओके। नाउ एक्सपेंड 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2, चलो एक्सपेंड करो। एक्सपेंड 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2। सर 1 माइनस 2x, हमने यहां पे बोला आपसे कि x बहुत स्मॉल है? नहीं, नहीं बोला ना? तो आपने शुरू के दो टर्म तो निकाल दिए, बाद के दो टर्म नहीं निकाले। अच्छा। हाँ अब इसको देख करके करो एक बार। At least you know how to solve. Yes. Okay. So first write the formula 1 plus x to the power n. N की जगह पे minus 2 यूज करते जाओ और लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। हाँ करो 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 करो। ओके, प्लस डॉट 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 डॉट। ओके हाँ, खुद से किया कि ये देख के बोल दिया? नहीं सर, खुद से करा।
ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसका यूज क्या है ना। हाँ ये आपके सामने लिखा है फैक्ट अंडर रूट 37, इवेल्युएट अंडर रूट 37 करेक्ट अप टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। हमको अंडर रूट 37 की वैल्यू निकालनी है। चलो मैं निकाल करके दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे अंडर रूट 37 की वैल्यू। अंडर रूट 37 कैन इट बी रिटर्न लाइक दिस 37 टू द पावर 1/2। ओके नाउ 37 इक्वल्स टू 36 प्लस 1 होल टू द पावर 1/2। एग्री? यस सर। ओके इफ आई टेक कॉमन 36 इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बिकम 1/36 होल टू द पावर 1/2। यस और नो? यस सर। 36 की पावर 1/2 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 + 1/36 होल टू द पावर 1/2। ओके 36 टू द पावर 1/2 इक्वल टू रूट 36 मे बी रिटर्न एज 6। यस सर। और यहां बच गया 1 + 1/36। ओके इसकी वैल्यू छोटी है कि बड़ी है? 1 से छोटा है कि बड़ा है? हाँ बहुत छोटा है। सो 1 + x होल टू द पावर n व्हेन x इज वेरी स्मॉल यू नो इट इज 1 + nx। याद है कि नहीं याद है? सो आई कैन यूज दिस अप्रोक्सीमेशन हियर। सो 1 + 1/36 सो 1 + 1/2 अंदर आ जाएगा 1/2 × 36। हाँ या ना? 6 + 1/72। एग्री? सिक्स 72 बन जा 72 + 1/72 6 × 73/72। ठीक है 6 × 3 = 18 6 × 7 = 42 + 1 = 43/72। आंसर इज 438/72 438/72 इक्वल्स टू 6.083। यस और नो? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल ली विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हाँ वैसे भी देख रहे थे तो 37 6 से थोड़ा आगे ही होगा तो 6.0 समथिंग। सो करेक्ट आंसर इज 6.083। ओके 6.084 उसने राउंड ऑफ कर दिया है ना। हाँ 6.084 पे राउंड ऑफ कर दिया बिकॉज हमने जो वैल्यू निकाली थी वो 6.08333333 तो इतने 3 को हटा के के अप्रोक्सीमेशन में क्या लिख दिया 6.084। ये भी सही है ये भी सही है। बनेगा? बनेगा। वेरी गुड। नाउ आपके बुक का क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन चलो करते हैं सॉल्व। पढ़ो छोटू क्वेश्चन पढ़ो। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एट अ हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी डैश इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इफ एच इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर देन प्रूव दैट जी
चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे जी डैश इक्वल टू, जी को साइड में कर लीजिए और ब्रैकेट में लिखिए आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलिए लिख सकते हैं ना, आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस, नाउ जी डैश इक्वल टू जी, हम आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्लियर, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हमने दोनों स्क्वायर बाहर ले लिए, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, डन। नाउ जी डैश इक्वल टू जी, टेक आर कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर तो आर ही है, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, वन प्लस एच बाई आर। नाउ कैंसिल आर एंड आर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, आर से आर कैंसिल हो गया। देन वी हैव व्हाट, जी डैश इक्वल टू जी, अब देखिए डिनोमिनेटर में बचा है वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लाऊंगा सो इट विल बिकम वन प्लस एच बाई आर, तो जो पावर टू थी वो माइनस टू हो जाएगी। यस और नो, बिकॉज डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कूद गई तो पावर माइनस टू हो जाएगी। अब आप देखिए एच मीन्स नॉर्मल हाइट एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एच अपॉन आर जो है वेरी वेरी स्मॉल और वेरी वेरी ग्रेटर, वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एच इज द नॉर्मल हाइट, इट विल अप टू 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 मीटर, थ्री मीटर, टू हंड्रेड मीटर, थ्री हंड्रेड मीटर एंड आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, दैट इज अ ह्यूज डिस्टेंस, एग्री। सो आई कैन यूज अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल थ्योरम, दिस माइनस टू विल बी गेट इंसर्टेड इन दिस ब्रैकेट एंड दिस विल बिकम वन माइनस टू एच बाई आर, यस और नो। सो नाउ चेक द रिजल्ट, जी डैश इक्वल टू जी, वन माइनस टू एच बाई आर, इज इट क्लियर? आ गया ऋषिका, पक्का मैच करो, मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में, देखो एक बार, भेज रहा हूँ। ओके, तो ये थी बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की प्रैक्टिस, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम हमारा पूरा हो चुका है। ओके, यस, होमवर्क क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, लिखिए सॉल्व वन प्लस एक्स क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वन प्लस एक्स होल क्यूब, वन प्लस एक्स होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, वन प्लस एक्स होल क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, यस, चेक योर व्हाट्सएप एंड मैच योर सॉल्यूशन, व्हाट्सएप चेक करो। यही है, ओके, डन। सो वी हैव कंप्लीटेड टू टॉपिक टुडे हियर, एक हमने कंप्लीट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके,